नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दास। मेरा राहुल मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के एक बड़ा प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर होता रहता है। दोस्तों, यह प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि कंप्यूटर को कुछ दिन बंद करके रखने से वहाँ पर कचरा जम जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखा जाता है। अब ध्यान से देखिए कि मैं इसे किस तरह से ठीक करता हूँ, आप भी इसे ठीक कर सकते हो। इसमें 2 रैम लगा हुआ है। सबसे पहले इसको मैं रबर की सहायता से किस लेना है रबर से दोनों रैम को अच्छी तरह से घिस ले। एक हो गया, अब दूसरे को भी कर लेंगे अच्छे से रंग के साथ। दोनों साइड में अच्छे से घिस लेना। अब इसको फिर से हम लगा के चेक करके देखेंगे कि वो भी क्या है। अब हम इसको चेक करके देखेंगे कि इसमें लाइट आ गया। देख सकते हैं, अभी इसको चालू करेंगे पावर बटन को। अब देख दोस्तों, मैंने जब एक रैम को निकाल के एक ही रैम को डाला, जो ये दूसरा रैम था, इसको निकाल के एक ही रैम को लगाया, मेरे इसमें 2 रैम लगा हुआ था, तो मैंने एक को निकाल के इसको एक रैम को लगाया तो हमारा पीसी देखिए चालू हो गया। हमारा कंप्यूटर जो है वो चालू हो गया। हमारा कंप्यूटर जो चालू हो गया देख सकते हो। अभी तो हमारा माउस पूरा खुला है। तो आप लोग ऐसे ही करके अपना जो डिस्प्ले प्रॉब्लम है, मतलब जो आप लोग ऑन करने के बाद डिस्प्ले में शो नहीं करता है, तो इस तरह से आप रैम को क्लीन करके अपना पीसी को ठीक कर सकते हैं। मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लेना।